नागपुर यशोधरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत विनोबा भावे नगर जा रहे प्रवासी महिला के गहने चोरी का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार शीतला माता मंदिर के पास राशन दुकान से राशन लेकर अपने घर विनोबा भावे नगर लौट रही प्रवासी महिला का मैक्सी वाहन में 5,000 रुपए और गहने चोरी हो गए। गहने चोरी होने पर प्रवासी महिला ने यशोधरा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई है। यशोधरा पुलिस आगे की जाँच कर रही है। मेरा नाम साक्षी सिद्धार्थ सुरवे, हम विनोबा भावे नगर में रहते हैं। अभी घटना हुई थी, जो हम कंट्रोल गए थे ना, शीतला माता मंदिर के थोड़ा आगे है, तो कंट्रोल से निकले और फिर थोड़ा आगे चल के रिक्शा किया, फिर वहाँ से विनोबा भावे तक गए। पर वहाँ पे जो मैक्सी के अंदर जो दो बाई लोग बैठी थी, वो ईटा भट्टी के पास उतरने वाली थी, पर उन लोगों ने रिक्शा वाले को बोला कि थोड़ा आगे लो, मतलब हम विनोबा भावे उतरने वाले थे ना, तो उन भाइयों ने भी उनको बोला कि थोड़ा उधर आगे लो विनोबा भावे के पास। फिर उतने में ही हमारा, मतलब जितना कैश था पर्स में, 5,000 रुपये कैश था और दागीने थे, वो पूरा चोरी हो गया। वो कान के थे और चेन का था और मैक्सी के अंदर ही चोरी हो गया। ये पन्नी भी फटी है। हमारा सामान जल्द से जल्द वापस मिले। वो पूरा बांध के थे मुँह पे, मतलब थोड़ा नॉर्मली थी पर वो एकदम डेंजर दिख रही थी, काली काली, चश्मा लगा के थी। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी की रिपोर्ट। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में, मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICIG Skills Private Limited। हमारा पता है, प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, थंतोली, नागपुर 4400012। संपर्क करें 9226466779।